संस्कार से संसार होता है। संसार माना सुखी संसार, दुखी संस्कार, संसार क्यों मिला? ये हमारे संस्कार से होता है। अपने आप ना भगवान ना कोई ज्ञान सुनने से अपने आप नहीं मिलता। हम क्या रोज हम ज्ञान सुनते हैं, रोज शिव बाबा को याद करते हैं, मुझे ऐसा अच्छा संसार मिलेगा? नहीं, इस धोखे में नहीं रहना कि मैंने अच्छा रोज योग करते हुए भी, रोज ज्ञान सुनते हुए भी संस्कार कैसे बनाया। समझ में आया? ये माताओं के भाइयों के समझ में गया? आप 2400 घंटा ज्ञान सुनते रहो, 2400 घंटा योग में बैठे रहो, संस्कार अगर परिवर्तन नहीं किया, जैसे थे वैसे ही होंगे। सिर्फ ज्ञान सुनने से कोई देवता नहीं बनता है ना। योग करते हुए बैठे रहो, कुछ योग किया बाहर जाते ही गुस्सा आ गया, अरे मेरा चप्पल पहन लिया आपने, थोड़ा तेज आवाज हो गया है ना। अंदर संस्कार है, वो संस्कार कैसे मिटाएंगे आप बताओ। संस्कार को मिटाने के तरीका हमने जवाब दिया, अभी आपकी परीक्षा लेना पड़ेगा ना, कितने याद रखते हो कि भूल जाते हो। संस्कार मिटाने के तरीका बताओ। याद से संस्कार नहीं मिटता है, सुना है? और तपस्या, तपस्या का याद, योग और तपस्या, याद से संस्कार भस्म नहीं होते हैं, है ना। हाँ, दोबारा पाप नहीं बनता है, योग से पुराने पाप मिटता नहीं, दोबारा नहीं बनता है। अमृत वेले शाम को बीज रूप से योग अग्नि ज्वाला स्वरूप का, अग्नि में कोई बीज डालो फिर उगेगा वो। अग्नि कहाँ? इधर है अग्नि, वहां परम धाम में बाबा ने कहा मन और बुद्धि मेरे से जोड़ो तो करंट मिलेगा, है ना। उसके साथ जोड़ते हो, वो भी नहीं बताया कि आत्मा का चिंतन करते करते परम धाम में शिव बाबा से बात कर रहे हो 15 मिनट आधा घंटा, दूसरे कोई विचार नहीं आते, क्योंकि मन भी बिजी, बुद्धि भी, मन भी प्रश्न करता है, बुद्धि भी जवाब देता है। ये दोनों कितना मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट तक आपके अंदर देव देवधारी के विचार नहीं आया, सेवा का भी विचार नहीं आया, सिर्फ आत्मा का चिंतन और परमात्मा, आप और बाप के बीच में कोई नहीं आया, उसको कहते एक रस अवस्था, उसको कहते एकाग्रता, उसको कहते योग अग्नि, उसको कहते ज्वाला स्वरूप, ज्वाला अग्नि, तो भस्म हो जाता है। सिर्फ ज्ञान सुनने से, बाबा को याद करने से नहीं, योग अग्नि चाहिए। इसलिए आपको तीनों विधि बताया, या चलते फिरते करो, मेरे से दोबारा पाप नहीं होना चाहिए, यो सब संबंध, मेरा बाप है, टीचर है, मेरा बेटा है, मेरा सदगुरु है, सब संबंध जोड़ो। क्योंकि नहीं तो किसी को, जिसको बच्चे नहीं तो बच्चे की याद आती है, किसी को पति की याद आती है, किसी को और माँ की याद आती है, इस संबंध तो ये एक भगवान से संबंध जोड़ो। लेकिन उससे भी पहले जो किए हुए पाप है उसके में इतनी ताकत नहीं है, अग्नि नहीं जलाने के लिए, तो योग अग्नि चाहिए, उसका नाम तपस्या। वो दो दफा सवेरे 15 मिनट, आधा घंटा शाम को 6:30 से 8 बजे तक बैठते हो, किसके लिए तपस्या कर रहे हो? अपने विकर्म विनाश करने के लिए। हम इस रूहानी हॉस्पिटल में क्यों आए? भगवान को जरूरत नहीं, हमारे बीमारी मिटाने के लिए। कौन सी बीमारी है? बुरे संस्कार, बुरे स्वप्न आते हैं। जिस दिन 5 विकारों के स्वप्न आना बंद हो गया, तब समझना हम फरिश्ते बन गए, कर्मातीत बन गए। कल शरीर छूट जाए, कब देवता बन जाएंगे? अगर उसके पहले शरीर छूट गया तो कहां आना पड़ेगा? सत्य में जाए सकेंगे? फिर से जन्म लेना पड़ेगा या नहीं, है ना। तो जन्म लिया तुरंत शरीर छूट गया, तो ये किए हुए कर्म भोगने का तरीका। इसको शास्त्रों में कहते हैं पुनरपि जननम पुनरपि मरणम जननी जटले, जनन जनन मरण के चक्कर में बार बार आना पड़ता है, क्यों? अंदर पाप भोगने का तरीका है। पाप कैसे हो? क्यों बार बार एक्सीडेंट होता है? क्यों बार बार बीमारी आ रही है? तो पाप अंदर है, जनन मरण, तो पाप मिटाने का तरीका। अगर पुण्य आत्मा है, कम जन्म, सिर्फ 8 ही जन्म है ना, सत्युग से त्रेता सत्युग अंत तक 8 ही जन्म, वही
कलयुग में 40-42 जन्म, क्यों पाप अंदर ज्यादा, जन्म ज्यादा, जन्म मरण मरण दुख। तो क्या चाहते हो पूछना, किसी के लिए नहीं कर रहे हो आप, किसी के लिए ज्ञान सुनते नहीं हो, किसी के लिए योग नहीं करते हो, अपने लिए करते हो, किसी को दिखाने के लिए नहीं, कोई देखता नहीं मुझे, नहीं किसी के लिए नहीं, अपने जो कर रहे हो अपने लिए कर रहे हो। जाते समय क्या ले जाएंगे पूछना रोज, मैं किसके लिए कर रहे हो, किसके लिए मुझे सुनने आते हो, किसके लिए योग करते हो, किसी के लिए नहीं, कारण बताएंगे, बच्चे बीमार थे आज, ये था आज, वो था, किसको बता रहे हो, अपने तकदीर को बताना है ना, ये याद रखना। कभी कारण बताते हो आज ऐसा था, आज ऐसा था, किसको बता रहे हो, अपने तकदीर से, अपने तकदीर बनाने का सारे कलम के अंदर एक सम है। चाहे तकदीर को ऊंचा बनाओ तो तकदीर को बिगाड़ो आपके हाथ में, तब कहते हैं तकदीर भविष्य आपके हाथ में, जैसे चाहे वैसे रेखा खींच सकते हो। तब बाबा ने कहा बच्चे कलम आपके हाथ में दिया है, कितनी लंबी रेखा खींचना चाहते हो खींच सकते हो, क्योंकि भगवान डायरेक्ट रोज पढ़ाता है बच्चे ऐसा करो ऐसा करो, उसके कहने अनुसार अगर करते हो तो जो चाहे बन सकते, अगर उसके कहने अनुसार नहीं करते बाबा ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं कर सकते, अपने मन से करो, जो करेंगे वही मिलेगा। समझ में आया, किसी के लिए नहीं कर रहे, किसी के लिए नहीं जी रहे हो, अपने लिए जी रहे हो, अपने लिए कुछ करो। समय नहीं, ऐसा नहीं बोलना कि 24 घंटे हैं, 23 घंटे आप जो चाहे करो, आधा घंटा अपने भविष्य जमा करने के लिए समय निकालना।